हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम बनाएंगे व्रत के लिए खास परफेक्ट क्रिस्पी साबूदाना वड़ा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। और इसके साथ हम व्रत की चटनी भी बनाएंगे, वो भी बहुत टेस्टी बनती है। ये बहुत ही परफेक्ट साबूदाना वड़ा की रेसिपी है। ना तो वड़े फटेंगे, ना ही ऑयली बनेंगे और ना ही सॉफ्ट बनेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो आज हम वीडियो में देखेंगे। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक कटोरी साबूदाना ले लेंगे। साबूदाना हम बड़ी साइज़ के लेंगे और साबूदाना हम नाप से लेंगे, क्योंकि नाप से हमको इसमें पानी डालना है भिगोने के लिए। तो इस बाउल में हम साबूदाना ले लेते हैं और साबूदाना को हम 3 से 4 बार पानी से अच्छे से धो लेंगे। इस तरीके से मसल मसल कर धो लेने हैं। तो साबूदाना हमने अच्छे से धो लिए है, अब हम भिगो के रखेंगे। तो एक कटोरी पानी डाल के भिगोना है। जिस कटोरी के नाप से हमने साबूदाना लिए थे, उसी कटोरी के नाप से हम एक कटोरी पानी डाल देंगे। पानी बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साबूदाना के ऊपर इस तरीके से थोड़ा पानी रहे, उतना ही हमको इसमें पानी डालना है। अब हम इसको 7 से 8 घंटे के लिए या फिर ओवरनाइट भिगो के रखेंगे। तो मैंने 8 घंटे के लिए साबूदाना को भिगो के रखे थे। साबूदाना बहुत ही अच्छे से भीग गए, आप देख सकते हो चम्मच एकदम ड्राई है, बिल्कुल भी इसमें एक बूंद भी पानी नहीं है और साबूदाना एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। तो साबूदाना एकदम ड्राई होने चाहिए और अच्छे से भीगे हुए होने चाहिए, सॉफ्ट होने चाहिए, पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो अब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। तो सेकी हुई मूँगफली का पाउडर डालेंगे, दरदरा पीस के डालना है। आधी कटोरी हम मूंगफली का पाउडर डाल देंगे। 1 टीस्पून जीरा डालेंगे। अगर आप व्रत में इसमें से कोई चीज़ ना खाते हो तो आप स्किप कर सकते हो। 3 से 4 हरी मिर्च की पेस्ट बना के डालेंगे, आप चाहे तो बारीक कट करके भी डाल सकते हो। 5 से 6 कड़ी पत्ता को भी हम बारीक कट करके डालेंगे। 2 टेबलस्पून हरा धनिया डालेंगे और स्वाद अनुसार इसमें हम सेंधा नमक डाल लेंगे, क्योंकि हम व्रत के लिए बना रहे, और मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अगर आपको लगे कि आपके साबूदाना में थोड़ा भी पानी रह गया है तो आप साबूदाना को एक छलनी में लेके ड्राई होने के बाद वड़े बना सकते हो। तो सब कुछ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसके अंदर आधा नींबू का रस डाल देंगे और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम इसके अंदर मेन चीज़ डालेंगे बाइंडिंग के लिए, आलू। तो 2 मीडियम साइज़ के आलू को हम कद्दूकस करके डालेंगे। आलू में खास ध्यान रखने वाली चीज़ है कि आलू ठंडे होने चाहिए, आलू गरम गरम इसमें नहीं डालने हैं। ठंडे डालेंगे तो बाइंडिंग अच्छी आएगी और तेल में खुलेंगे नहीं, गरम गरम डालेंगे तो बाइंडिंग अच्छी नहीं आएगी। तो आलू को अच्छे से ठंडे करके लेना है। और दूसरी बात ये है कि आलू इसमें बहुत ज़्यादा नहीं डालने हैं, बहुत ज़्यादा डालेंगे तो वड़े ऑयली बनेंगे, इसलिए हम 2 ही आलू डालेंगे। और आलू को बहुत ज़्यादा बॉईल करके नहीं लेने हैं। तो आलू को जब हम बॉईल करें तो कुकर में आलू डालने के बाद उसमें 1 सीटी लेनी है, उसके बाद कुकर को अपने आप ठंडा होने देना है, उसके बाद आलू निकाल के आलू को ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम वड़े में यूज़ करेंगे। तो ये हमने दोनों आलू को अच्छे से कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करना भी ज़रूरी है, तो बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आ जाएगी। तो ये हमने बहुत ही अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अच्छे से वड़ा बन रहा है, आप देख सकते हो एकदम परफेक्ट है। अगर आप इसमें लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हो। तो अब हम सारे वड़े बना लेंगे इस तरीके से। हाथ में थोड़ा सा तेल या घी लगा लेंगे, जिससे हाथ में ये चिपके नहीं। तो पहले हम इस तरीके से गोल बना लेंगे। तो मैं यहाँ पर मीडियम साइज़ के वड़े बना रही हूँ, आप चाहे तो छोटे या बड़े बना सकते हो। तो पहले सारे हम इस तरीके से गोल बना लेंगे वड़े, उसके बाद हम फ्लैट करेंगे। मैंने और भी व्रत की कई सारी रेसिपी शेयर करी हुई है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आपको साबूदाने के वड़े अप्पे पैन में बनाने हैं तो वो भी मैंने शेयर किया हुआ है। तो टोटल इसमें से हमारे 13 वड़े बने हैं। सारे वड़े हमने गोल बना लिए हैं।
अब हम इसको फ्लैट कर लेंगे। तो इस तरीके से फ्लैट कर लेना है, क्योंकि ये अच्छे से फूलेंगे तो हम इस तरीके से अच्छे से इसको फ्लैट कर लेंगे। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आई, इसलिए बिल्कुल ये फट नहीं रहे हैं साइड से, नहीं तो ऐसे दबाते ही साइड्स फट जाती है कई बार। तो इस तरीके से बाइंडिंग अच्छी आएगी तो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे। तो ये सारे फ्लैट कर लिए, अब हम फ्राई कर लेते हैं। तो तेल एकदम अच्छा गर्म होना चाहिए, मैंने पहले से ही गर्म करने के लिए रख दिया था। इसमें थोड़ा साबूदाना डाल के चेक किया है, तेल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और वड़े को फ्राई कर लेंगे। जब भी हम इसमें वड़े डालें तब तेल अच्छा गर्म होना चाहिए। तो एक बार में जितने वड़े आए उतने हम डाल देंगे कढ़ाई में। तो आप देख सकते हो तेल काफ़ी अच्छा गर्म है, गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। तो ये हमने 5 वड़े अभी डाल दिए हैं। अभी हम इसको बिल्कुल पलटेंगे नहीं, थोड़ी देर बाद हम इसको पलटेंगे। तो इसको फ्राई होने देते हैं मीडियम फ्लेम में, जिससे ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए। तो एक बार हम चेक करेंगे, तो आप देख सकते हो अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, बिल्कुल फटे नहीं है। और ये स्टार्टिंग में थोड़े एक दूसरे से चिपक जाते हैं, बाद में जैसे जैसे फ्राई हो गए अपने आप अलग हो जाएंगे। तो ये अच्छे से फ्राई हो रहे हैं, इसको अच्छा क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। कलर भी एकदम अच्छा गोल्डन कलर आ जाए तब तक हमको फ्राई कर लेना है। तो अब हम इसको पलट लेते हैं, ये अलग होने लग गए हैं, आप देख सकते हो। हम पलटेंगे उसके बाद भी ये अलग हो जाएंगे। तो हमने इसको पलट लिया है गैस की मीडियम फ्लेम में, हम इसको पलट पलट के फ्राई कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये अपने आप ऊपर आ गए हैं, ये बहुत ही अच्छे से फूल गए हैं। जैसे जैसे ये अच्छे से फूल जाएंगे अपने आप ऊपर आ जाएंगे। थोड़ा इसको हम और क्रिस्पी कर लेंगे और थोड़ा और डार्क कलर आने तक इसको फ्राई कर लेंगे। तो अब आप देख सकते हो बहुत ही परफेक्ट कलर आ गया है, एकदम परफेक्ट क्रिस्पी दिख रहे हैं और साबूदाना के दाने भी एकदम मोतियों जैसे ऊपर दिख रहे हैं, आप देख सकते हो। एक भी वड़ा हमारा फटा नहीं है, एकदम परफेक्ट बने हैं, सारे वड़े एकदम अच्छे से फूले हैं। तो इस तरीके से क्रिस्पी हो जाए, गोल्डन कलर के हो जाए तब तक हमको फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा भी इसको फ्राई नहीं करना है, नहीं तो वड़े कभी फट जाते हैं। लेकिन ये एकदम परफेक्ट है, एकदम अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं और बिल्कुल ऑयली नहीं लग रहे, आप देख सकते हो एकदम ड्राई दिख रहे हैं। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे हमारे वड़े बने हैं। तो इसी तरीके से हम बाकी के वड़े भी फ्राई कर लेंगे। तेल तो हमारा गर्म ही, अच्छे से गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और बाकी के सारे वड़े हम इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। तो ये भी अपने आप ऊपर आ गए फूल के, इसको भी क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से पलट पलट के हमको फ्राई कर लेना है। तो ये वड़े भी हमारे क्रिस्पी हो गई है, बहुत ही अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इसको भी हम निकाल लेते हैं। जो बाकी के 3 बचे हैं उसको भी फ्राई कर लेते हैं। तो बाकी के 3 भी हमारी बहुत ही अच्छे से वड़े फ्राई हो गए हैं। तो सारे वड़े हमारे अच्छे से फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। अब हम इसके लिए व्रत की चटनी बना लेते हैं। तो एक मिक्सर जार ले लेंगे, इसमें एक बड़ा बाउल भर के धनिया ले लेंगे। धनिया को अच्छे से धोकर लेंगे और साथ में इसकी डंडी भी लेंगे। अब हम इसके अंदर 2 से 3 हरी मिर्च को इस तरीके से कट करके डालेंगे, 2 छोटे अदरक के टुकड़े, 1 टीस्पून जीरा डालेंगे, 2 टेबलस्पून कच्ची मूंगफली डालेंगे और 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हम दही डालेंगे। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना चाहिए और इसमें हम स्वाद अनुसार सेंधा नमक डाल देंगे और इसमें ज़रूर पड़े तो थोड़ा पानी डाल के इसकी हम फाइन पेस्ट बना लेंगे, चटनी बना लेते हैं। तो ये हमने चटनी बना ली है, हम चेक कर लेंगे। बहुत ही परफेक्ट कलर आया है, आप देख सकते हो वड़े के साथ इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपको चटनी के जगह आप खीरा का रायता बनाना चाहते हो तो आप रायता के साथ भी वड़े सर्व कर सकते हो, वो भी बहुत ही टेस्टी लगता है। तो वड़े भी रेडी है, चटनी भी रेडी है, तो आइए अब हम इसको सर्व करते हैं।
तो ये हमने वड़े सर्व किए हैं, इसके साथ हम चटनी सर्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमने सर्व किया है, बहुत ही यमी दिख रहे हैं ये वड़े, बहुत ही टेस्टी लगते हैं और ये बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है, एकदम परफेक्ट वड़े बनते हैं। ना तो आप देख सकते हो ये ऑयली है, ना ही कोई फटे है, ना ही कोई सॉफ्ट बने, एकदम क्रिस्पी बने हैं। तो आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और ऐसी नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने कई सारी व्रत की रेसिपी शेयर करी हुई है चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर चेक कीजिएगा। आपको इसके बारे में कोई भी क्वेरी या कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।